वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री प्लस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्सवेल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर क्या होता है और हमें क्या बताता है। देखो मैक्सवेल स्क्वायर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जब भी हम हायर ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए मैक्सवेल स्क्वायर को समझना, मैक्सवेल स्क्वायर को याद करना। सो मैक्सवेल स्क्वायर हमें क्या बताता है, बेसिकली मैक्सवेल स्क्वायर हमें डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बताता है, उनके बीच में जो रिलेशन होती है उसे बाय हार्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, तो हमारे पास एट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, एस पी वी टी एच जी ए एंड यू। हमारे पास ये एट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जिनके बीच में रिलेशन हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। अब देखो इसका ना सिर्फ नाम मैक्सवेल स्क्वायर है, अगर हम इसे मैजिकल स्क्वायर बोले थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में लगभग 12 to 16 रिलेशन है जो कि लर्न करना, जो कि बाय हार्ट करना बहुत मुश्किल है अगर हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर ना हो। हम लोग इन्हीं एट पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इजीली हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर से लर्न करना सीखेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बताता है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे मैक्सवेल स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब रिलेटेड है स्क्वायर से, तो स्क्वायर से क्या हमें सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ओके अब इस स्क्वायर में हमें इस तरीके से दो एरो बनाने हैं, ये सभी पैरामीटर्स हमें इस स्क्वायर में लिखने हैं किस तरीके से, एस पी वी टी एच जी ए एंड यू। अभी देखो ये पैरामीटर्स यहाँ पे सीक्वेंस में लिखे हैं, इसका भी एक रीजन है क्योंकि हम इसे इजीली लर्न कर सके। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग ये सब पैरामीटर्स इजीली सीक्वेंस से याद कर लेंगे। अब देखो कुछ लोग ना इस तरीके से बताते हैं कि यहां से लिखना शुरू करेंगे और यहां तक लिखेंगे, या फिर इधर से लिखना शुरू करेंगे यहां तक, पूरा एक स्क्वायर में या फिर एक पूरी सर्कल में, एक पूरी साइकिल में लिखना सिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने मेरे एग्जाम्स के लिए लर्न किया था, जिस तरीके से यूज करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से। हमारे पास ये जो एट पैरामीटर्स हैं इनकी एक ट्रिक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हां जी आ ऊ। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये एक लाइन है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हां जी आ ऊ। अब देखो यहां पे हमारे पास एस सबसे पहले, फिर प्रकाश से पी, वेरी से वी, टायर्ड से टी, यहां एच जी ए एंड यू, यानी हमारे पास आठ के आठ पैरामीटर्स हो गए, एस पी वी टी एच जी ए एंड यू। तो यहां पे एस से क्या मतलब है, एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, एच एंथैल्पी एंथैल्पी, जी गिव्स फ्री एनर्जी, ए होती है हमारे पास हेलमोल्ड्स एनर्जी, हेलमोल्ड्स फ्री एनर्जी, और ऐसे ही यू हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास इन एट पैरामीटर्स के बीच में ऑलमोस्ट 16 to 20 रिलेशंस होते हैं जो कि हमें मैक्सवेल स्क्वायर के थ्रू लर्न करने हैं, मैक्सवेल स्क्वायर जिन्हें बहुत इजी बना देता है बाय हार्ट करना। तो अभी देखेंगे हमारे पास क्या क्या है, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेलमोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोगों को याद हो गया होगा कि हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हाँ जी आ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एट पैरामीटर्स हैं। अब हम इन पैरामीटर्स को हमारे स्क्वायर में किस तरीके से फिट करते हैं, देखो हमें स्क्वायर किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले जैसे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये दो
एरो ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ पे किस तरीके से इन सब पैरामीटर्स को लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है, सत्य प्रकाश, फिर यहां पे वेरी टायर्ड, यानी कि जब हम ऊपर के दो चार पैरामीटर्स देखेंगे तो हम उन्हें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड की साइड एंड करेंगे, यानी सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, हा जी आ उ, यानी कि ये जो बाद वाले चार पैरामीटर्स हैं इन्हें हम एक सर्कल के फॉर्म में लिखेंगे, यानी एच जी ए यू, और आपका मैक्सवेल स्क्वायर बनके रेडी हो चुका है। अब देखो हमें इस स्क्वायर में दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही हैं, इधर तो हमारे पास एरो है लेकिन इस तरफ ऐसा एरो नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं टेल और इसे हम बोलते हैं हेड। अब ये हेड और टेल में क्या डिफरेंस है, जिधर हमारे पास टेल है उधर हमें क्या लिखना है पॉजिटिव, और जिधर हमारे पास हेड है उधर हमें क्या लिखना है नेगेटिव। धीरे धीरे आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस यूज करने हैं। ठीक है, इतना आप सबको समझ आ गया, हमें स्क्वायर बनाना आ गया और ये भी पता चल गया कि किधर हमारे पास हेड है किधर टेल है, क्या क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशंस ड्रॉ करने हैं, यानी किस तरीके से हमें रिलेशंस बाय हार्ट करने हैं और क्या क्या हमें मैक्सवेल स्क्वायर बताता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब देखो अगर हम इसी तरीके के और भी बहुत सारे रिलेशंस लिख दें तो हो सकता है कि हमें दो तीन चार पांच छह रिलेशंस याद रह जाए, लेकिन सबके सब रिलेशंस में प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन है और जो हमारे पास पैरामीटर्स का कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर बनाया गया है जिससे कि हम लोग इजीली बाय हार्ट कर सके इन रिलेशन को। अब हमें किस तरीके से इस रिलेशन को मैक्सवेल स्क्वायर के थ्रू लिखना है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिया डी यू, डी यू कहां से आया यहां से। अब हमें क्या करना है, इसके जो दो तो इसके पास वाले पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स वो है जो इससे दूर है, तो डी यू इज इक्वल टू हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, जो इसके पास वाला पैरामीटर है ये डी एस, फिर क्या लिखना है डी वी। अब इसके बाद एस के जो सामने है उसे एस के साथ लिख दो, वी के सामने जो है उसे वी के साथ लिख दो। अब हमें बताए कि इधर हमारे पास हेड है और इधर टेल है, टेल वाली साइड पॉजिटिव होगा और हेड वाली साइड निगेटिव होगा, निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव साइन किस तरीके से यूज होंगे, तो देखो हमारे पास जहां पे ये डी एस है और ये डी वी है, अगर उसकी तरफ हेड है तो हमें कौन सा साइन यूज करना है, जिस पैरामीटर के साथ हमारे पास डी लगा हुआ है, यानी कि जिस भी पैरामीटर में चेंज हो रहा है उस पैरामीटर के साइड वाले साइन को हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब हमारे पास देखो डीएस है तो यहां पे हमारे पास इसके पास क्या है हेड या टेल, यानी कि हमारे पास यहां पॉजिटिव साइन है तो हम यहां पे पॉजिटिव लिख देंगे। डीवी है, डीवी के साइड यहां पे हमारे पास हेड है और निगेटिव साइन है तो हम यहां पे निगेटिव लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा, यानी कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। देखो अभी जब आप लोग इसे बनाना सीखोगे ना आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत इजी और बहुत अच्छी ट्रिक है रिलेशंस को याद रखने के लिए। अभी तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे यानी कि तीन चार पांच बार ऐसे बना के देख लोगे ना फिर यू लिखा जाएगा आप लोगों से भी रिलेशन। तो देखो हमें क्या करना है, इसी तरीके से हम लोगों को तीन रिलेशंस और लिखने हैं, यानी एक हमने अभी डी यू के लिए लिखा, फिर उसके बाद हम लोग डी ए डी एच डी जी इनके लिए भी सेम लिखेंगे। हमारे पास सेकंड क्या है डीएच, क्या बताया सबसे पहले दो पैरामीटर्स इसके पास वाले हैं दो पैरामीटर्स इससे दूर वाले हैं, तो इसके पास वालों को लिख लेंगे, एच के पास एक एस है और एक क्या है पी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एस के सामने है टी इनके साथ लिख देंगे डी, जो पास में है ये याद रखना है कि हमें किसके साथ डी लगाना है किसके साथ नहीं लगाना है, किसमें चेंज हो रहा है जो हमारे पास एकदम नेक्स्ट वाले जो पैरामीटर्स हैं उनमें, तो हमारे पास यहाँ पे डी डी एस डी पी। अब डी एस के सामने क्या है टी, डी पी के सामने क्या है वी। अब आप लोगों को क्या बताया साइन हमें कौन सा यूज करना है, वो साइन यूज करना है जिस भी पैरामीटर में हमारे पास चेंज हो रहा है, यानी अगर हमारे पास डी एस है तो हमें डी एस के पास वाला साइन यूज करना है और डी पी है तो डी पी के साथ वाला साइन यूज करना है। हमारे पास यहाँ पे डी पी है तो डी पी के साथ क्या है प्लस, डी एस है तो डी एस के साथ क्या है प्लस, यानी कि हमारे पास डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी।
ऐसे ही अगर हम डी जी के लिए लिखेंगे तो क्या है, डी जी के पास में पी और टी, यानी डीपी डीटी, साइन नहीं लिखना है पहले ही, सबसे पहले डीएस डीपी, फिर देखो टी के सामने क्या है एस, फिर हमारे पास पी के सामने क्या है वी। आप देखो साइन लिखेंगे किस तरीके से, डीपी के साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव, डी टी के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, हमारे पास रिलेशन आ गए, यानी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसके बाद हम लोग फोर्थ लिखेंगे डी ए के लिए, डी ए इज इक्वल टू वी टी, दोनों के साथ डी लिखेंगे, फिर इसके बाद वी के सामने पी, ऐसे ही टी के सामने एस, डीवी के साथ क्या साइन है निगेटिव, क्योंकि डीवी के साइड हेड है, ऐसे ही डी टी के साइड भी हेड है, तो यानी निगेटिव, यानी ये वाला जो रिलेशन है इसमें हमारे पास क्या आएगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। देखो कितना कंफ्यूजिंग है ना, कहां कहीं हमारे पास डीवी के साथ यहां माइनस, यहां प्लस, फिर माइनस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर ना हो तो हमारे लिए रिलेशन लर्न करना बहुत ज्यादा टफ है। इस तरीके से हमें इस स्क्वायर का यूज करना है। आप जब इन रिलेशन को 3-4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे आप बहुत इजीली सिर्फ देख के बता सकते हो कि क्या रिलेशन आएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि एस लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, आपको खुद से पता चल जाएगा यहाँ से देखे कि डी एच है, साथ में एस और बी लिखेंगे, इन दोनों में चेंजेस हो रहे होंगे, इनके सामने बी और टी है, साथ में साइन लगा देंगे। इस तरीके से हमें रिलेशन लिखने, एक बार सही से देखो हमारे पास चार रिलेशन क्या क्या आए हैं, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, डी एच इज इक्वल टू प्लस टी डी एस प्लस वी डी पी, डी जी इज।